अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरे फिंचेस इनकी अपडेट एंड प्रोग्रेस ये देख सकते हैं। माशाल्लाह मटकी लगाए हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। माशाल्लाह से जी देखें, मैंने घास बताया था आपको ला के रखी थी, माशाल्लाह से पूरा गुच्छा घास का ला के रखा था, इन्होंने पूरे मटकों में सेट कर दिया। व्यूअर्स इधर थोड़ी ऊपर मटकी है और रोशनी में ज़्यादा नज़र नहीं आता है क्योंकि कैमरा बिल्कुल लाइट की वजह से बिल्कुल लो आ रहा होता है कैमरे में। तो माशाल्लाह से इन्होंने ये देखें मटकियों में अपनी घास सेट करी है माशाल्लाह से, और ये देखें कितने फुर्तीले, देखें माशाल्लाह से नर जो है ना सबसे आगे जो बैठा हुआ है, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा अच्छा लगता है, इसका डार्क कलर आया है, देखें आँखों में देखें माशाल्लाह से कितना भरा हुआ कलर है। ये मुझे मेरा जो नर है ये मुझे मेरा फेवरेट नर है माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप बहुत प्यारा मुझे नर लग रहा है, देखें डार्क माशाल्लाह से कलर देखें आप कितना सूटेबल कलर है। हालांकि और ऐसे नहीं लेकिन सबसे अच्छा और बेहतरीन नर माशाल्लाह से मेरा ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हो रहा है। एंड अब ये दूसरे पोर्शन की आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से अंडे दिए हुए इन्होंने और मैंने कल चेक किए थे, अंडे अभी बाहर से बच्चे आए नहीं हैं इनके दूसरे पोर्शन में। माशाल्लाह से ये देखें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये देखें, अगर हो सकता है मैं मेरी कोशिश है कि आपको दिखा सकूँ, नज़र नहीं आ रहे व्यूअर्स। माशाल्लाह से सामने जो मटकी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माशाल्लाह 6 अंडे दिए हैं मैं, इस मटकी में माशाल्लाह से अंडे हैं, इस मटकी में माशाल्लाह से अंडे हैं। अब माशाल्लाह से इनका जो प्रोग्रेस गर्मी के हवाले से आना शुरू हो गई, जो मैंने जगह चेंज की थी धूप से काफ़ी फ़र्क पड़ा, और ये देख सकते हैं आप अंडों पर बैठी हुई है, ये देखें आप अंडे सेक रही है, इंशाल्लाह बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह 2 महीने में, बस 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह बेइंतहा बच्चे निकलेंगे, एक पोर्शन, दो पोर्शन, थर्ड पोर्शन से। और थर्ड पोर्शन की प्रोग्रेस ये है, देखें मैंने काफ़ी इसको पॉलिफस लगाया, इसके जो पर है ये सही नहीं हो पा रहा और मज़ीद मुझे लग रहा है ये ख़राब हो रही है, और चूटियाँ मुझे लग रही हैं कि चूटियाँ आ चुकी हैं, और ये अभी मैं इंशाल्लाह इसका इंतज़ाम करूँगा, कॉपेक्स डालूंगा क्योंकि चूटियाँ देखें नीचे नज़र आ रही है, चूटियों से बेहद बचाना है अपने फिंचेस को क्योंकि अंडे ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, और बच्चे हो तो बच्चों पे चिपक जाती हैं। इसी तरह मेरे जो माशाल्लाह से फिंचेस के जो बच्चे 7 बच्चे दिए थे फिंचेस ने, चूटी की वजह से सारे बच्चे मर चुके थे, जब मैंने देखा जाके तो पूरे बच्चे मरे पड़े हुए थे, उस पर चूटियाँ चिपकी हुई थी। तो व्यूअर्स आपको ये बताना है कि चूटियों से लाजमी ख्याल करें, चूटियों से लाजमी ख्याल करें क्योंकि आपकी जो मेहनत और फिंचेस की प्रोग्रेस ये पूरी बेकार चली जाती है जब चूटियाँ हों। तो अभी मैं कॉपेक्स तो रखा हुआ मेरे पास, अभी बदलता हूँ जगह जगह क्योंकि मुझे लग रहा है चूटियों की आमद शुरू हो गई, चूटियाँ इनके बच्चों की ख़ास दुश्मन है, फिंचेस के बच्चों की जान बुझ के चिपकती हैं। तो व्यूअर्स ये बताना था माशाल्लाह से मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, नहीं थर्ड पोर्शन की देखें, ये देखें मटकी के अंदर भी मरेंगे, मटकी के ऊपर भी घूम रही है, अभी मैं इनका इंतज़ाम करता हूँ जल्द से जल्द क्योंकि मुझे नुकसान ना उठाना पड़ेगा। माशाल्लाह से देखें अंडे तो अभी दोनों मटकियों में तो नीचे थर्ड पोर्शन अभी स्टार्ट नहीं करे, लेकिन इसमें माशाल्लाह से जिसमें इन्होंने 4 अंडे दिए थे 3 बच्चे मुझे नज़र आए, इसमें 3 बच्चे कल मैंने देखे थे, इसमें 3 बच्चे नज़र आए, तो माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए, अंडे से बाहर आ गए, और थर्ड पोर्शन ने भी सही शुरुआत नहीं करी लेकिन सेकंड पोर्शन माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, और फर्स्ट पोर्शन भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने जोड़े वोड़े तो लगाए हुए, सिंकिंग करते हैं बुलाते हैं, वो देखें माशाल्लाह कैसे मटकी से बाहर आया, नर है माशाल्लाह से मेरा ख्याल है कैसा बाहर आया हुआ है। तो सबसे जो दोनों पोर्शन में सबसे अच्छा पोर्शन मुझे फर्स्ट पोर्शन लगता है, माशाल्लाह इनकी जो बच्चे थे बड़े हो गए माशाल्लाह, सूटेबल बच्चे अच्छे और कलरफुल है, देखें माशाल्लाह से कैसे अच्छे लग रहे हैं, और देखें सारे सिंगिंग कर रहे हैं। तो ये है मेरी फिंचेस की प्रोग्रेस, ये देख सकते हैं आप, आज मैंने इनको बॉयल अंडा नहीं दिया क्योंकि गर्मी पे इंतहा है, तो मैं इनको ठंडी चीज़ें देना चाह रहा हूँ ताकि क्योंकि धूप आ रही है, धूप भी बिल्कुल गर्म, तो इनके लिए मैं ठंडी चीज़ों का ज़रा इंतज़ाम कर रहा हूँ कि इनके लिए दाना लेके आऊँगा जाके, क्योंकि दाना एंड पे चल रहा है, इंशाल्लाह मैं दाना ठंड गर्मी के लिहाज से इनका दाना लेके आऊँगा, अंडा दूंगा इंशाल्लाह, अंडा इनको मैं दूंगा सुबह फजर के बाद क्योंकि अंडा उस वक्त सही है, और इस वक्त धूप में अंडा इनके लिए थोड़ा सा वो है क्योंकि ठंडी चीज़ें चाहिए, वरना तो गर्मी एक तो ऊपर से अंडा भी गर्म ही होता है, तो इनको फजर के बाद सुबह मैं अंडा दूंगा इंशाल्लाह ताला।
तो ये थी मेरी फिंचेस की प्रोग्रेस। और एक देखिए नीचे जो खाना खाली पड़ा, भाई मैं समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या रखूं, लेकिन अभी भी सोच ही रहा हूं मैं कि इसमें कुछ रखना है, क्योंकि मैं फिंचेस के बच्चे तो रखूंगा, फिंचेस के बच्चों के लिए मुझे अलग पिंजरा ख़रीदना चाह रहा हूं, क्योंकि इनके बच्चे जो अलग पिंजरा, ताकि मैं उसी हिसाब से इनको सेट करूं। तो इंशाल्लाह मैं पिंजरा भी लेके आऊँगा छोटा, ताकि इनके जो बच्चे हैं, देखिए दो बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए, ख़ुद खाने लग गए, इनको मैंने काफ़ी 15 दिन या 20 दिन मैंने इनको टाइम दिया अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से खुद खाने लग गए बच्चे, बाबर अंडों में या मटकी में जा रहे अंडे इनके ख़राब कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे हैं ना, उनको पता है वो ज़ाहिर मटकी जो इनकी फिंचिस मदर है वो बार बार क्या बोलते हैं अंडे पे बैठे ही, लेकिन बच्चे बाबर आके वो तंग करेंगे, इसी वजह से अंडे इनके ख़राब होने का खदशा है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि इनके फिंचिस के जो बच्चे इनको मैं अलग कर दूँगा, लेकिन जो जो बच्चे निकलते जाएंगे बड़े होते जाएंगे उनको मैं अलग कर दूँगा। तो ये थी मेरी फिंचेस की प्रोग्रेस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करिएगा, तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये ज़रूर किया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।